करते हो वो बीज के रूप में आपके अंदर जमा होते जाता है। दिन भर रात भर जो सोचते हो विचार करते हो। अभी अमेरिका में एक ऐसा कैमरा आया है जिस बात को प्राचीन काल में हम लोगों ने कहा कि विचार का प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है, अभी एक ऐसा कैमरा अमेरिका में आया है कि आपका मुंह बंद है, अभी आप क्या सोच रहे हो इसका फोटो ले लेगा। इसका मतलब जो हम सोचते हैं वो वेव निकलता है, तरंगे निकलती है और उसी का स्नैप ले लेता है कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। सोचने का प्रभाव हमारे जीवन में सर्वाधिक पड़ता है। आप क्या सोचते हो, और सोचना और विचार करने का जो पावर होता है इसमें चुंबक होता है। मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, और जितना पावरफुल मैग्नेट होता है उतनी ही चीजों को। आपके सोचने का जो तरीका है वो क्या है, मैग्नेट। आप जिस तरह के व्यक्ति हो उसी तरह के लोग आपके जीवन में मिलेंगे। व्यक्ति जैसे विचार से होता है उसके आसपास वैसे ही लोग खींच के आ जाते हैं। आपके विचार का फल है और इसी को ठीक करना पड़ता है। बिना इसको ठीक किए, यही तो गायत्री मंत्र का काम है कि वो विचार में इतनी ताकत भर देता है कि नहीं साहब, मुझे तो इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। लोग कहता कहेगा ये पागल है, कोई बात नहीं। दुनिया जिसको पागल कहे समझ लीजिए आने वाले समय में वही चमकेगा। जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, किस चीज को ठीक, अपने विचार करने के तरीका। अगर ये ठीक हो गया और उस पर अडिग रह गए तो समझ लीजिए सफलता आपको मिलके रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप विचार करने के तरीका को ठीक कर लीजिए। विचार में चुंबक होता है, चुंबक, हाई पावर का चुंबक। अभी इस पर जापान ने जो रिसर्च किया है कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन का डेवलपमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके विचार। इसलिए प्राचीन काल में भारत में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि बचपन से व्यक्ति के अंदर विचार करने का तरीका मजबूत अगर बन जाए और वो अपने विचार पर अडिग रहना सीख जाए तो दुनिया के किसी न किसी क्षेत्र में वो सफल होके रहे। इसलिए हमें विचार को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अब आप कहोगे जब विचार करेंगे तो दो चार गो आएगा जो क्या कर रहा है तुम, आएगा, जरूर आएगा और आना चाहिए। अगर किसी के जीवन में परीक्षा ना हो तो साहब वो सफल कैसे हो सकता है। उसका अर्थ क्या होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अगर आपने अपने विचार को मजबूत करने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए सुबह में 20 मिनट अगर आंख बंद किया, अगल बगल के चार लोमड़ी आ जाएंगे, गिदड़ आ जाएंगे, सियार आ जाएंगे, माफ करिएगा, इन चीजों को झेलते हुए जो आगे बढ़ता है उसके जीवन में वो सब मिलता है जिसकी तमन्ना उसके जीवन में होती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, जितने भी, उनका हिस्ट्री उठा के देख लो। इस देश का एक बहुत बड़ा व्यापारी जो आज उसका बेटा राज कर रहा है, धीरू भाई अंबानी का एक फिल्म बना है उस पर बहुत पहले। उस फिल्म का नाम है गुरु, और फिल्म में दिखा रहा है कि उसके जीवन में कितने लोगों ने कहा कि तुम कहां आ गए, तुम सफल नहीं होगे, इस क्षेत्र में बहुत मारा मारी है, यह संभव नहीं है। और उस फिल्म में दिखाता है कि लोग कहते रह गए और वो बंदा मुस्कुराता था, मुस्कुरा के निकल जाता था, आज नहीं तो कल तो मैं इस क्षेत्र में झंडा गाड़ूंगा ही गाड़ूंगा। और एक दिन देखते 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 वो क्या बन गया, रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक बन गया। ये विचार की ताकत होती है। दुनिया हंसती है, दुनिया कमजोर करना चाहती है, आपके रास्ते में आके आप पर मजाक उड़ता है, लेकिन जो उस पर टिका रह जाता है वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यही तो गायत्री मंत्र है। आप चाहो तो शाम होते होते किसी को बीमार कर सकते हो, आपके पास ताकत है, विचार की ताकत। जिसको चाहो बीमार कर दो आप, जिसको चाहो बीमार कर दो आप। मैं चैलेंज करता हूं, एक दिन के अंदर बीमार कर सकते हैं स्वस्थ आदमी को भी। कैसे, क्या यार तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तबीयत ठीक है? हाँ हाँ तबीयत ठीक है, ठीक।
फिर दूसरा जाएगा कहेगा क्या यार विचार का तीर चल रहा है, तबीयत ठीक है तुम्हारा? हाँ भाई वो भी कहा ये भी कह रहा है तेरे ठीक तो है भाई, ठीक है ठीक है। तुम्हारा आंख पीला लग रहा है, हैं पीला ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है दोस्त, इंजेक्शन उसको लग चुका है। शाम होते होते उस सही में कहेगा कि हमारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। ये विचार का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है, विचार की ताकत बड़ी मजबूत होती। आप रामदेव स्वामी को जानते हैं, साइकिल चलाता था और वो व्यक्ति साइकिल चलाते 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 कितना करोड़ का मालिक है रामदेव जी, 48,000 करोड़। ये पावर है हर इंसान के भीतर, आपके भीतर ताकत है। ना नेता हूं ना मंत्री हूं ना विधायक हूं, कुछ नहीं, और बड़े बड़े लोगों को खींच लेते हैं, नहीं कैसे आइएगा, आना पड़ेगा। ये विचार की ताकत है। मैं गवर्नर साहब से मिलने गया, बिहार के गवर्नर, गवर्नर साहब से मिलने गया, मैं गवर्नर साहब के पास गया। गवर्नर साहब से हमारा जान पहचान था? नहीं भाई, काहे का, गवर्नर से किसी का जान पहचान होता है? गवर्नर साहब को हमने कहा सर मेरे यहाँ आपको चलना चाहिए। पूछे क्यों? हमने कहा सर वहाँ युवा का कार्यक्रम होता है, चलना चाहिए आप। और मैंने पूरे विचार से, अंदर से पूरा विचार एकत्रित करके कंसंट्रेट होके कहा था। उन्होंने कहा कि कभी आएंगे, हम कहा नहीं सर कभी का मामला नहीं जमेगा सर, आप महामहिम हैं, आपको चलना चाहिए। वो भी देखने लगे कि कैसा आदमी है, सच्ची बात, ये गवर्नर को हिट कर रहा है कि चलना ही चाहिए आपको। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कब चलना है? मैंने कहा सर अगले रविवार को जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, आपको 2 दिन के बाद सूचना आ जाएगा। हम कह सही 2 दिन में गवर्नर हाउस से सूचना कि गवर्नर आ रहे हैं आपके यहाँ। जिंदगी का जो स्वाद लेने का टेक्निक है, तरीका है, देखो मैं आपके बीच खड़ा हूं। पहली बार जब मैं हवाई जहाज पर चढ़ा, क्या लग रहा था कि दुनिया का बड़ा, आज से लगभग 10 साल पहले, 10 वर्ष बीत गए, पहली बार 10 साल पहले मैं हवाई जहाज पर कभी नहीं चढ़ा था। एयरपोर्ट दूर से ही देखते थे, कोई जाता था तो बचपन में आंगन से हवाई जहाज गुजरता था, तो जब हवाई जहाज पर पहला दिन चढ़ा, ऐसा शो करा रहे थे हवाई जहाज में जैसे हम लोग परमानेंट पैसेंजर हैं। और मैं बताऊं कि मैं हवाई जहाज में बैठने वाले लोगों को बड़ा ध्यान से देख रहा था, किसी को मजा नहीं आ रहा था, सब टेंशन में था। हम मजा में थे कि साहब बादल देखेंगे, देखते हैं हवाई जहाज लगता कैसा है। हवाई जहाज पर सब बैठते हैं, मजा कहाँ किसी को मिलता है, ये भीतर की चीज है। अमीन कुत्ता जो होता है गाँव का, बड़ा एक्सपर्ट होता है, कब कहाँ चला जाए पता नहीं चलता है, हड्डी खोजता है, सूखी हड्डी, कैसी हड्डी, और वो हड्डी देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है, हड्डी ले आता है और हड्डी को खूब चबाता है, उस हड्डी में कुछ है नहीं, हड्डी चबाते चबाते उसका अपना ही ब्लड अपने मुंह से निकलने लगता है। कुत्ता खुश होता है कि मजा आ रहा है, देखो कितना खून इसमें से निकल रहा है, जबकि उसी का खून है। इन दिनों इंसान मजा लेने के नाम पर यही काम कर रहा है, अपना ही चीज गिरा गिरा के कहता है मजा आ रहा है। अब ये समूह गायत्री इसका नाम है, वो शक्ति है, वो ताकत है, वो ऊर्जा देता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंग्रेज ये नारा सुन के कांप गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक जगह लिखा है कि गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है कि अगर भारत के घर घर में गायत्री को पहुंचा दिया जाए तो इसका पावर इतना है कि अंग्रेज को भागना पड़ेगा, चूंकि ऊर्जा भीतर से निकलता है। ये गायत्री की ताकत सबसे है कि आपके अपने विचार में मजबूती लाता है, स्ट्रांगनेस लाता है, ताकत लाता है, शक्ति लाता है, जो सोचते हो वो कर बैठते हो। मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है, इसको ऋषियों ने यहाँ रिसर्च करके दिया था। इसलिए हमें अपने विचार को मजबूत करना चाहिए, हमें अपने विचार को मजबूत करना चाहिए। सफलता और रिजल्ट कहीं बाहर नहीं है, सफलता और रिजल्ट कहाँ है, आपके भीतर। अंदर से जो जितना मजबूत होगा वही रिजल्ट ले सकता है। 20-20 लाख फॉर्म भराता है, उसमें 19 लाख समझ लो बेकार होता है, 1 लाख काम का होता है। उसमें भी अगर आप अपने आप को स्ट्रांग करके चल सको तो सफलता तो आपको मिलना ही मिलना है। मैंने कितने लड़कों को शिवा मंडल में देखा है, कितने लड़कों को, असंभव, मुझे विश्वास नहीं था कि ये लड़का कभी सफल होगा, लेकिन आज ऐसे ऐसे लड़के इस युवा मंडल से सफल होते हैं और निकलते चले गए कि कभी कभी लगता है कि ये कैसे संभव हुआ। उसने अपने विचार को मजबूत कर दिया। हमारा ही लड़का आप जानते हो IIT कानपुर का प्रोफेसर है राजेश, इसी युवा मंडल में, वर्षों रोड के किनारे
अभी आपने नुक्कड़ सभा कहीं ना कहीं देखा होगा, नए लोग भी देखे होंगे, नुक्कड़ सभा चलता है, रोड के किनारे किताब लेके बेचता रहता था। और आज वो IIT कानपुर का प्रोफेसर है, आज भी उसके अंदर वही चीज है, वही धुन है, जबकि एकदम यंग है। आज भी वो धोती और कुर्ता अपने बैग में लेके निकलता है। कितना सैलरी होगा आप कल्पना करो, अमेरिका से पढ़ के अभी आया है और IIT कानपुर में ज्वाइन किया है। सफलता की बीज कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है। सफलता कोई टीचर नहीं दिला सकता है, सफलता कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दिला सकता है। आप बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके नाम तो लिखवा सकते हो पैसे के बल पर, पढ़ेगा कौन और विचार के रूप में स्ट्रांग कौन होगा, ये आपको करना पड़ेगा। बड़े बड़े कोचिंग वाले मैं देखता हूँ बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, और एक लड़का को मैंने देखा, एक लड़का का फोटो है और वो दिखा रहा है रिच द स्काई, आसमान में पहुंच जाओ और नीचे गिरेगा तब। ये पावर, ये शक्ति। विराट कोहली से किसी ने पूछा कि आपके जीवन में ताकत शक्ति कहां से मिलता है, उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने कहा आसमान से मिलता है, और जब भी मैं ध्यान करता हूं मुझे ताकत की अनुभूति होती है, और उसके बाद जब मैं बैटिंग करने जाता हूं तो मेरा बल्ला बोलता है। आप समझ लो आपका जीवन भी इसी रूप में, गरीब हो सकता है हम गरीब परिवार में जन्म ले रहे हों, लेकिन हम गरीब जीवन भर रह जाएं, इसका दोषी कौन? हम हैं, इसके दोषी हम हैं। हमने एक जगह देखा कि एक चाय पत्ती बेचता था व्यक्ति, चाय पत्ती, एक छोटे सी दुकान में चाय का पत्ती बेचता था, मारवाड़ी था, बहुत छोटा दुकान, एक छोटा सा गुमती में। आज उसके पास इतने पैसे हैं उस चाय बेचने वाले के पास, क्यों? वो जाति का मारवाड़ी, मारवाड़ी लोग बिजनेस का ट्रिक जानता है। यही है कि अगर हमने मजबूत कर, धन संपत्ति रुपया पैसा मान सम्मान सब हमारे पीछे चलेगा। यही तो गायत्री मंत्र है, यही गायत्री की उपासना है, यही गायत्री की साधना है। कल यहाँ इसी भीड़ में, महिलाओं के भीड़ में, कल कार्यक्रम में दीदारगंज थाना की दरोगा बैठी हुई थी सिविल ड्रेस में। आप कल्पना करो ऐसे कितने लोग, मैं कहाँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं, अभी मैं समस्तीपुर में गया तो समस्तीपुर का जो जेल का जेलर था हमें ध्यान से देखने लगा, आप मनीष हो सर, मैंने आपका YouTube पर सुना है। आज सुबह की घटना मैं बता रहा हूँ, इंदौर की SP है सीमा, मैंने लाइव बंद करा दिया और तुरंत फोन आ गया कि आपने लाइव बंद कर दिया, मैं लाइव आपका देखती हूँ, और अभी मैसेज की कि आप लाइव बंद मत करवाया करो, आपको यहाँ फ्री में मिले हुए हैं हम लोग, तो हम लोगों का महत्व आप नहीं समझते हो। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। आपके अंदर की ताकत जो भगवान ने स्वयं आप सबको दिया है उसको जगा दीजिए, आप अपने बूते आगे बढ़ जाएंगे, आप अपने बूते सफल हो जाएंगे, जीवन में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, सब मिलेगा। मैं जब गायत्री परिवार में जुड़ा आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, रिश्तेदार नातेदार सगा संबंधी। आज जब गवर्नर के साथ फोटो छपता है, स्वामी विवेकानंद की इस बात से को आप अपने जीवन में धारण करो कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं स्वयं है। मैंने जब मुख्यमंत्री बिहार से मिलने गया नीतीश जी से, मुझे याद है शुक्रवार का दिन था, शाम का समय था, मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको मेरे यहां चलना चाहिए। पूछे मैं मंदिर में जाके क्या करूंगा, मैंने कहा वहां युवा के बीच आपका स्पीच होगा, तो आपके मंदिर में युवा आता है, हम कहे हाँ, तो युवा क्या करता है, हमने कहा सब कंपटीशन की तैयारी करने वाला युवा है। जानते हैं शुक्रवार का दिन था और परसों रविवार था, मुख्यमंत्री ने पूछा कब चलना है, हमने कहा परसों चलना है सर, मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है हम चलेंगे। हम भैया ये भीतर का विल पावर बोलता है, ये भीतर की ताकत बोलती है, भीतर की शक्ति बोलता है, और ये सबके भीतर है। जमाना तो लालटेन देखो नहीं करेगा कि लालटेन किसको कहते हैं, उसको देखा उस लालटेन में कई बार कालिख लग जाता था शीशा में, रोशनी मध्यम हो जाता था। हमारे भीतर भी वही हाल हो गया है, कालिख लग गया है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। उस कालिख को साफ करने का जो टेक्निक है उसी का नाम ध्यान है और गायत्री मंत्र है, वही है जो आपके अंदर के कालिख को हटाता है। सफलता कहीं बाहर नहीं है मित्र, सफलता आपके भीतर है। और आप विश्वास पूर्वक समझिए जिस जगह पर आप बैठे हो ना, ये साधारण जगह नहीं है। यहाँ कितनों का
जीवन बनते हमने देखा है, कितनों का जीवन बनते हमने देखा है, आपका भी जीवन बनेगा विश्वास मानना। यहां आने वाला व्यक्ति कभी घाटे में नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है।